तो दोस्तों फाइनली OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने अच्छे अच्छे को हिलाकर रख दिया है। साथ ही साउथ के बड़े डायरेक्टर SES राजामौली भी OMG 2 से काफी प्रभावित है। तो चलिए जानते हैं राजामौली सर ने क्या कहा, इससे पहले एक नजर ट्रेलर पर डालते हैं। तो दोस्तों OMG 2 के ट्रेलर की शुरुआत में महादेव शिव का स्वरूप नजर आता है। शिव अपने प्रिय नंदी बाबा से कहते हैं, नंदी मेरे भक्त पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, शिवगन में किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। इस ट्रेलर के इस डायलॉग से ये क्लियर हो जाता है कि OMG 2 में अक्षय कुमार भगवान शिव का नहीं बल्कि शिवगन में से किसी एक दूत का रोल निभा रहे हैं। इसके बाद सीन शुरू होता है कोर्ट रूम का, जहां पंकज त्रिपाठी यानी कि कांति चरण मुद्गल की एंट्री होती है। कोर्ट में कांति चरण मुद्गल ने अपने खिलाफ ही केस किया है और वो खुद ही खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं। यह सुनकर जज भी हैरान हो जाते हैं। कांति चरण मुद्गल एक साधारण इंसान है जो शिवभक्त है, पूरे दिन भक्ति करता है। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया है, लेकिन उसके बेटे का एक ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जो समाज को स्वीकार नहीं है। उसे सरेआम बदनाम किया जाता है, लोग उस पर हंसने लगते हैं और स्कूल से उसे निकाल दिया जाता है। वो लड़का इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि आत्महत्या करने की कोशिश करता है। कांतिलाल शिवजी से अपने बच्चे को सही राह दिखाने की प्रार्थना करते हैं और शिवदूत के रूप में अक्षय कुमार एंट्री लेते हैं। बच्चे के वीडियो का मामला कोर्ट में जाता है। विपक्ष की वकील यामी गौतम की एंट्री होती है। वो कांतिलाल से कहती है, मुझे ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि आप अपने बच्चे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। फिर कोर्ट रूम का सीन होता है। कांतिलाल कहते हैं, जिस सनातन धर्म के चार स्तंभ है आप उन्हें अश्लील कह रही है, जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तब हमारा सनातन दौड़ रहा था। दोस्तों ये पूरी फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा है। साथ ही अब OMG 2 पर एक बड़े सेलिब्रिटी रिएक्शन दे चुके हैं। वही इनसाइड अपडेट की माने तो साउथ डायरेक्टर SES राजामौली को OMG 2 की स्टोरी काफी पसंद आई है। जी हाँ, और यही नहीं बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने OMG 2 के ट्रेलर को लाइक कर इस पर रिएक्ट भी किया है। वैसे दोस्तों आपको यह ट्रेलर कैसा लगा और आप 5 में से कितने स्टार दोगे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डहाट फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।